मैं बचपन से ना चिड़िया बनना चाहती हूँ। फ्रूट, काजू, बादाम, प्याज, आलू प्याज के भाव में रोड के किनारे बिक रहा है, वो भी कहाँ? आप सोच रहे होंगे कि कहाँ बिक रहा है, तो हो गया ब्रश। हाँ, ये चाकू हाथ में लगा के आता हूँ। अच्छा लाओ, मैं ले लेती हूँ ना आपसे, यहाँ नहीं रखती, गंदा हो जाता है। साबुन भी लगा रही हो? हाँ। अपने हाथ से धो लोगी? छुपा छुपा के गुड मॉर्निंग सब गाइस को बोलो। हेलो गाइस को बोलो, इधर जी जी के बोलो हेलो। हेलो, कैसे हैं आप सब? आप कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक। आप देख रहे हैं मेरी गैस की स्टील कैसी चमक रही है? ये मैंने कोई कैमरे की लाइट नहीं ऑन की है, कुछ भी। इसके लिए आपको करना ये है कि जब आप गैस को साफ कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि गैस को पूरा अच्छे से साफ करके किसी एक टिश्यू पेपर से आप उसे पोंछ दें, तो आप देखेंगे जो सब शाइनिंग आप कपड़े से साफ करके नहीं दे सकते, वो टिश्यू से इतनी खूबसूरत शाइनिंग आती है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह। तो आज हमारी मासी नहीं आई है क्योंकि आज संडे है, सारा काम मेरे ऊपर है। और अभी तो मैंने फ़िलहाल नाश्ता ही बनाया है, अब घर की सफाई बचती है, फिर मैं बर्तन भी मुझे धोने हैं। और बीच में मारा मुझे इतना तंग कर रही थी, उसे जंगल पॉप्स चाहिए, जबकि मैं उसे बाहर के सामान बिल्कुल नहीं दिलाती क्योंकि उसके पेट में मुस्तकिल दर्द रहता है। तो अभी मैं अपने काम फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मायरा और रोजैन दोनों ही मेरे पापा के साथ जाके पिज़्ज़ा और पेस्ट्री पता नहीं क्या क्या लेके आ गए हैं। इन दोनों को तो सिर्फ यही चीज़ें खानी होती हैं। मानू गुस्सा नहीं हुआ करो, जल्दी से इधर आओ, इधर आओ मानू, हर तरफ अंधेरा हो गया है। मानू, मानू कहाँ चली गई? ओ ये खाली है, मिल गई मुझे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ मानू, जल्दी जल्दी आओ, पापा को बोले कि चलते हैं। नहाने के बाद मेरी आंखें कितनी लाल हो जाती हैं। ये मेरे घर का रोज का काम है, सब लोग एक एक मोबाइल लेके ना बैठ के। दिमाग के डॉक्टर को हम कहीं नहीं जाते भैया, दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं चलना है यार, वो डॉक्टर 8 बजे आता है उसके पास। ये तो 24 घंटा सोना ही लिखा है, बस सोते ही रहो, वो भी रो रही है जाने को। शमशा का लगे घर डॉक्टर, रात 8 बजे आएगा। अमूल में घुमाता हूँ, तो मम्मा को बोलो ना। एक काम, एक पहले ही बात, मम्मा वीडियो बना रही है, एक बात सुन, मम्मा वीडियो बना रही है, इनका ओपन पहले पापा से शुभ रहो, पहले ये डन कराओ, कल पासपोर्ट बनवाने चलना है लाजमी। तो बस हम लोग अब जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा मुझे थोड़े फंसी के कुछ सामान लेने थे और बस फंसी के इसी के लिए मेरे साथ जा रहे थे, तो मैं अब निकल रही हूँ फंसी का सामान लेने। मेरी आंखें काफ़ी लाल हैं, नहाने के बाद अक्सर मेरी आंखें बहुत लाल होती हैं, जिस दिन मैं शैम्पू करूँगी उस दिन मेरी आंखें काफ़ी 1.5-2 घंटे तक लाल ही रहती हैं। तो धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, वो तो अंदर वो बैठा होगा ना नाजिम पे। अच्छा वो ओरिजिनल दिखाइएगा जैसे आपने दिखाया था, ठीक है? पर मैंने आपको पहले दिए थे, हाँ, अभी उसमें की वैरायटी नहीं है मेरे पास। लोकल रखी है आपने? थोड़ी हल्की वैरायटी है, लोकल नहीं है, बट ये क्या 1-2 टाइम लास्टिंग होती है इनकी, 6-8 घंटे की लास्टिंग होती है, बस नहीं होती है। इतनी तो ओरिजिनल की भी नहीं चलती। नहीं नहीं, वो जो पहले दिए थे वो आपको अच्छे थे, ये नॉर्मल है, वॉलेट मेरे पास सारे खत्म हो गए। तो पूरी शॉपिंग तो पूरी हो चुकी, बस हमने सोचा थोड़े से फ्रूट्स भी ले लेते हैं। ऑरेंज बहुत ही प्यारे लगे हुए थे, तो आजकल ऑरेंज का मौसम भी चल रहा है, मैंने सोचा बस ऑरेंज ले लेते हैं। स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज हमने ख़रीदा और घर की तरफ चल पड़े। मायरा घर में आते ही इन्होंने सारा लिया हुआ अपना सामान निकाल के खाली कर दिया, मायरा की हमेशा की तरह की यही आदत है। चाहूँगी कि जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ कुछ वक्त गुजारें और मेरी फैमिली बन के रहें, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और अभी कोई आया है तो हम देखते हैं कौन है। कौन? अच्छा वालेकुम जी, खैरियत? सब ठीक? तो ये आंटी हमारी तरफ आती हैं, हमेशा मेरे पास ज़रूर आएंगी, जब भी आएंगी इनको कुछ बेचारों को ज़रूरत होती है तो मैं इनको ज़रूर वो पूरा करती हूँ अल्लाह के करम से। और मैं सबको ये बोलूँगी कि कोई चाहे
मुस्तहिक आए और या मुस्तहिक ना हो, आप उनको भी दें, सबको दें। अल्लाह आपको वहाँ से देगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। आंटी ये ले। इतनी महंगाई में आज मैंने एक न्यूज़ देखी और मैं जितने भी ड्राई फ्रूट लवर हैं उनके लिए ये न्यूज़ देना चाहती हूँ कि आप लोग ये जाने कि ड्राई फ्रूट काजू बादाम प्याज आलू प्याज के भाव में रोड के किनारे बिक रहा है, वो भी कहाँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ बिक रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ, झारखंड में काजू और बादाम 40 और 50 रुपए किलो के भाव में बिक रहा है, जिसे मैं भी सुन के हैरान रह गई कि इतना सस्ता। हमारे यहाँ तो पता है कितने में भी बिक रहा है, 800 रुपए पाव 800 रुपए पाव में काजू चल रहा है, 800 रुपए पाव में बादाम चल रहा है। इस टाइम पे काजू मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा महंगा है। और झारखंड बता रहे हैं कि झारखंड में काजू का इतना उत्पादन है कि काजू की नगरी के नाम से वो जाना जा रहा है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों ये बिज़नेस करने में, तो वो झारखंड में से काजू बादाम उठाएं और अच्छे दामों में बेचें। हर चीज़ में सक्सेस मिलती है, कोई भी काम हो, बस आपको मेहनत करना पड़ेगी उसमें और कोशिश करनी पड़ेगी। जो लोग आलसी हैं वही पीछे रह जाते हैं। मेहनत करने वालों की जीत है, मेहनत करने वालों के साथ ही अल्लाह है। तो आज मैं आपके साथ एक अपनी बात शेयर करूंगी। आज मुझे सुबह से वो बात याद आ रही है, तो मैं आप लोगों को ना बताऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बचपन से ना चिड़िया बनना चाहती थी। जब मैं चिड़िया लोगों को देखती थी ना, अम्मी बहुत डांटती थी मुझे स्कूल जाने के लिए, सबको ही डांटती थी घर में। तो मुझे लगता था इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उड़ती हैं, घूमती हैं, खाती पीती चली आती हैं। तो मैं रो रो के अल्लाह से दुआ करती थी। मैं बचपन से ही नमाज वमाज बहुत पढ़ती थी, मेरी बड़ी उसमें वो भी होती थी। मैं छोटी थी जब मेरे ऊपर वाजिब नहीं थी, मैं तब से नमाज के लिए पाबंदी करती थी। तो मैं दुआ करती थी रो रो के कि मैं चिड़िया बन जाऊँ, चिड़िया बन जाऊँ। जबकि मैं बचपन में इतनी मोटी गोल मटोल थी कि मेरा नाम गोल्डी था। फिर मैं धीरे धीरे दुबली होने लगी, दुबली, इतनी दुबली हो गई, कभी कभी कोई आता था बोलता था ना कि ये क्या तुम चिड़िया बन गई हो। तो रियल में तो मैं चिड़िया नहीं बन पाई, लेकिन लोग मुझे ये बोलते थे कि क्या तुम चिड़िया बन गई हो। तब मुझे लगता था यार ये क्या, ये तो दुआ दूसरी तरफ से कबूल हो गई मेरी। दुआ दूसरी तरफ से कबूल हो गई कि मैं इतनी दुबली हो गई कि मैं चिड़िया बन गई। आज फंसी बड़े मेहरबान थे, उन्होंने मुझे बोला कि खाना मत बनाना, मैं खाना बाहर से खिलाऊंगा ले चल के। तो बस मैं उनका इंतज़ार कर रही थी और बच्चे बाहर खड़े हुए हैं कि बाहर पापा आ गए। तो बस हम लोग निकल पड़े हैं कि थोड़ी दूर पे ही जाना था हमें, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। हम लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे, 9:30 हो गए। वालेकुम अस्सलाम, मैं इतना खर्च करती हूँ फरसलान, तुम बताओ। ये बोल रहे हैं तुम्हें देख के कि अभी खर्च कर देगी, मैं करती हूँ इतना खर्च। वे कब जाते मुझे कहीं देखते हो, मुझे कब जाते देखते हो तुम, ये बताओ। ये खुद अपना मावा सिगरेट में इतना खर्च करते हैं। मुझे ना घूमने जाना है। कहाँ घूमने जाना है? जल्दी आऊंगा। वो अरतलान के साथ जाने को तैयार है, हम लोग के साथ नहीं। पूछो आंटी कहाँ है? आंटी कहाँ है? आंटी तैयार हो रही है। आंटी के गले में घंटी। शादी में जा रहे हो तुम लोग? शादी में जा रहे हो? अच्छा, दावत खत्म नहीं हो रही भाई, हल्का तो आ ही नहीं रहा। बड़ा खानदान मिल गया ससुराल का। तकलीर में भी डोलो हुआ आना पड़ रहा है। पापा, तो बस हम लोग पहुंच गए हैं, हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही रेस्टोरेंट बना है। हमने आइडिया मतलब अपना प्लान चेंज कर दिया था, हमने सोचा हम घर पार्सल करवा के खाना लेके चलते हैं, क्योंकि काफ़ी रश था। और यहाँ पे गजरे वाला आ गया था, फसी को पता है कि मुझे गजरा बहुत पसंद है, तो वो खाली नहीं जा सकता है, फसी ज़रूर लेते हैं। लेकिन यहाँ मेरी मैडम बैठी है मायरा, वो उनको हर चीज़ चाहिए मेरी। फिर फसी ने मुझे लेके दे दिया गजरा और मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। गुलाब का वो गाना नहीं है कौन सा, मैं ध्यान से उतर गया, पता लगा तेनू शौक फुलांदा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी, और इसकी खुशबू तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी। और अब मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाना चाहती हूँ सीसीटीवी कैमरे में कैद, जो तुर्की में हुआ है। बस आपको देख के रूह ही कांप जाएगी कि वो पेश हुआ उन लोगों के साथ, जो जलजले के मंजर आप देखेंगे। और आज मैंने एक बच्चे को देखा 128 घंटे के बाद, जो बाहर निकला है, माँ के पेट में था और उसी मलबे के नीचे दबा हुआ है, वो पैदा हो गया। माँ तो मर गई है, शहीद हो गई, लेकिन बच्चा ज़िंदा है और उसे बाहर निकाला गया है। तो बस अल्लाह उन लोगों को सबको सब्र दे, अल्लाह उनके दिलों पे इतना सब्र दे, इतना सब्र दे, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए हैं। मंजर देख के इंसान का दिल फट जाता है। आप लोग भी देखें सीसीटीवी फुटेज।